दोस्तों, क्या आपने भी अपने सपने में जिराफ को देखा है? तो ये सपना आपके भाग्य को चमकाने वाला है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने को बहुत ही ज्यादा शुभ सपना माना गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सपने में जिराफ की विभिन्न अवस्थाओं में उसको देखने से उनके क्या क्या फल हमको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में जिराफ दिखाई देता है तो इस सपने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में बहुत ही जल्द कामयाबी प्राप्त होने वाली है। अब अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं, और अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको उसमें प्रमोशन देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं तो आपके शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर यह सपना कोई महिला देखती है तो इस सपने का मतलब है कि उस महिला की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो बहुत ही स्वावलंबी होगा, मतलब वह अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको अपने सपने में जिराफ का जोड़ा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द किसी से प्यार होने वाला है। अगर आप अभी तक सिंगल है तो आपके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका अब आने वाला है जो आपके जीवन को प्रेम के रस से भरने वाला है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में जो अभी तक खटपट या नोकझोंक चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कोई जिराफ पिंजरे में बंद दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे आपकी समाज में बदनामी हो सकती है। तो आपको अभी हाल फिलहाल में किसी भी ऐसे कार्य को करने से बचना चाहिए जिससे आपकी समाज में कोई बदनामी हो जाए। दोस्तों, अगर आप किसी जिराफ की सवारी करते हुए खुद को सपने में देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। इस सपने का मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, या फिर आप किसी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं जो खेलकूद से जुड़ा हुआ हो, तो आप उसमें आसानी से जीत जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, सबसे जरूरी कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें।